हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बैक टू दिल्ली में ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर से अपने पहले वाली लाइफ स्टाइल को जीना चाह रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि फिर से मैं वही अपना दिनचर्या को वही लाइफ स्टाइल में लेकर आऊँ और आप लोग के साथ कुछ ब्लॉग्स बनाऊँ, शेयर करूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा सजना संवरना तैयार होके ब्लॉग बनाना नहीं हो पा रहा बच्चे के साथ। लेकिन मैं फिर से कोशिश की हूँ और सारे जो साड़ियाँ मैं शादी में पहनी थी वो ट्रॉली इनके साथ भेज दी थी, तो उसी में मैं आज सोच रही थी लॉन्ड्री वॉश साड़ी देने के लिए जाने के लिए, तो उसी बीच में को याद आया कि चलो चलो एक व्लॉग्स बनाते हैं कि क्या कितनी सारी मेहनत होती है एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, तैयार होने के लिए, उसके बाद जाके एक वीडियो तैयार होता है और कैमरे के पास आना पड़ता है। तो मैं सोची पहले रील्स बनाऊंगी, फिर सोची नहीं नहीं आप लोगों के साथ बहुत दिन हो गया कुछ तैयार वार होकर वीडियो नहीं डालती हूँ मैं बस, तो मैं सोची चलो आज तैयार होती हूँ। तो ये है साड़ी मेरी, साड़ियाँ जिससे मैं सोच कर रही हूँ कि कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सी नहीं पहनूँ, कौन से तुरंत पहने, कौन से बहुत दिन बाद हो गया है तो वही पहनेंगे, क्योंकि होता है ना बार बार रिपीट भी साड़ी लोग पब्लिक पसंद नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैं एक साड़ी पसंद आया मेरे को रेड वाली जो सिस्टर की शादी में पहने थे, तो उस समय ना मेरा बच्चे के साथ इतना भागम भाग हो गया था कुछ नहीं कर पाई थी, बट मैं आज फिर से सोच रही हूँ तैयार होकर थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं साड़ी निकाली, उसके साथ साड़ी मेकअप ज्वेलरी साड़ी निकाली और फटाफट मेकअप कर डाली। तो देखिए इतना सारा मेकअप थोपना, फिर से प्रिपरेशन करना, सारे चीज़ बहुत टफ होती है। और आप लोग प्यार नहीं देंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कब तक मैं ऐसे ही एक बच्चे के साथ कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और उसके साथ ये वीडियो के लिए टाइम निकाली हूँ खुद के लिए सजना संवरना। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बिना सपोर्ट कुछ नहीं होता। तो अगर आप लोग को पसंद आता है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सारे स्वेल ज्वेलरी एक्सेसरीज में निकाली, साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बताइए। अब मैं चलती हूँ मेकअप करने, फटाफट मेरा वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए मेकअप लुक कैसा लग। सो गाइस, तो फाइनल मेकअप कंप्लीट हो गया। अब जो भी ज्वेलरी एक्सेसरीज ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी होती है कि मैचिंग का पहन लिया, हैवी लुक देंगे तो ज़्यादा प्यारा लुक लगेगा, लोग पसंद करेंगे हल्के लुक में लाइट लगता है। तो जितना ही आप साड़ी वगैरह में जो हैवी लुक देते हो ना, तो रील्स वगैरह में प्यारा भी बहुत प्यारी सी वीडियो बनती है तो लोग पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को हैवी लुक में ही तैयार होना पड़ता है। सारे चीज़ अगर इधर उधर बिखरा हो तो उसको ढूंढ के रखना पड़ता है। बाकी मेरा नेकलेस वगैरह नहीं मिला था क्योंकि अभी आया ना उतने दिन बाद, तो शिफ्टिंग में सारे सामान इधर उधर हो गए हैं, तो धीरे धीरे सब एक साथ रखेंगे। और यहाँ पे मैं सिंदूर वगैरह लगा के एक वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए लंबे में वीडियो शूट हुआ है। तो अगर आप लोग फॉलो नहीं किए इंस्टा आईडी तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर प्यारे प्यारे रील्स वगैरह में। सो गाइस, तो ये है मेरे आज की प्यारी सी लुक जो कि मैं यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए रेडी होके एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो इस तरीके से इतने सारे प्रिपरेशन के बाद एक वीडियो तैयार होती है और उसके बाद मैं एक दो वीडियो शूट की जो कि आप लोग को देखने के शेयर कर दूँगी साथ साथ। और कैसा लगा मेरा आज का ये साड़ी लुक आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग भी है एक्सेसरीज में, बट जो भी जहाँ तक पॉसिबल हुआ है वो शेयर की हूँ। सो गाइस, तो बाबू के साथ इतना कुछ मैनेज करते हुए मैं वॉइस ओवर देके वीडियो शूट की हूँ। बाबू मेकअप करने टाइम बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, पप्पी झप्पी देता है ना, इसको रेड कलर बहुत पसंद है और मेरा सारा मेकअप का सामान बिखेर रखा है, तो उसको अब समेटना है। और एक वीडियो बनाने के बाद 2 घंटा उसको
पैक करके रखने में टाइम लगता है तो एक तैयार होती है रील्स, जिसके लिए आप लोग भर भर के प्यार देते हैं, वरना बहुत लोग प्यार नहीं भी देते हैं, फिर भी अपने आप को डीमोटिवेट कभी मोटिवेट करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसी ऐसे ऐसे करके लाइफ यूट्यूब की रहती है जर्नी। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्जॉय किए होंगे। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी क्या देखना चाहते हैं वीडियो ब्लॉग्स के अलावा बेबी के साथ, कमेंट करके बताइए। मिलेंगे जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय। मुझे किसी भी चीज की नहीं होने देती है कमी। हाय हाय, कितनी प्यारी है मेरी मम्मी।